नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि पार्ट टू का जो रेगुलर स्टूडेंट था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो एक्स स्टूडेंट यानी 18-19 या जो भी हो उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो ये सब मतलब कि बहुत लोग हमको कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा मतलब कि एक्स हम मतलब मेरा जो सेशन है वो रेगुलर नहीं है, हम एक्स मतलब बैच के स्टूडेंट हैं तो मेरा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही होगा मिथिला यूनिवर्सिटी जो है पार्ट टू एवं पार्ट वन के स्टूडेंट के साथ उनके ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। आप लोग को पता ही होगा कि जो पार्ट टू का रिजल्ट जारी किया गया है किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया किसी को पता नहीं, क्योंकि ऐसा रिजल्ट कभी भी पहले जारी नहीं किया गया था। एक PDF जारी कर दिया गया है, उसमें लिख दिया है कि पास प्रमोट और फेल और पास प्रमोट और पेंडिंग, ये लिख करके रिजल्ट जारी कर दिया गया। ऐसा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है पहले कभी, लेकिन इस बार अजीब तरीका से रिजल्ट जारी कर आ गया है। तो यही सब सोच के स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और एक स्टूडेंट का अभी तक जो रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो एक स्टूडेंट जो है उनका रिजल्ट 10 जुलाई तक के अंदर में ही उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया, ये बोर्ड के तरफ से ही सूचना है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो 8 का रिजल्ट आया था उसका रिजल्ट फिर से जारी किया गया 3 जुलाई को, फिर से जारी कर दिया गया है। आप लोग जाके अपना रिजल्ट चेक कर ले, क्योंकि 8 का जो रिजल्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी उसमें आई थी, क्योंकि बहुत लोग का हिस्ट्री ऑनर्स था, किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स था, किसी का साइकोलॉजी ऑनर्स था। हिस्ट्री वाले का ज्योग्राफी कर दिया गया था, ज्योग्राफी वाले का साइकोलॉजी कर दिया गया था, और साइकोलॉजी वाले का हिस्ट्री करके या कुछ भी करके बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आया था। किसी के नाम में गड़बड़ी आया था, किसी का रोल नंबर में, किसी का जो पेंडिंग था उस सब का सुधार करके फिर से एक रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो आप लोग अगर अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किए तो जाके मिथिला यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिशियल साइट पर अपना रिजल्ट फिर से जाके PDF डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपका न्यू रिजल्ट जारी किया गया है। और आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर ले कि आपका रिजल्ट में क्या डिसीजन दिया गया, पास या फेल है, जो आपका अगर कुछ गड़बड़ी था उसमें सुधार किया गया है या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो आप उसके खिलाफ़ अपील करके एक मेल करके आप अपना रिजल्ट को सुधार करवा सकते हैं, नहीं तो आप जो दरभंगा का मिथिला यूनिवर्सिटी का जो वहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ जाके आप अपना कंप्लेन यानी कि शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, वहाँ से आपका जो रिजल्ट है फिर से चेक किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड के तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।